जिस काम के लिए गई थी वो हो गया ना? अंदर चलो। अरे पता ना, जिस काम से गई थी वो हुआ या नहीं? वाह वाह जीजा भाई वाह। वैसे भी वो तेरे मैके की तेरे नाम पर जो जमीन थी वो किस काम की थी? अब उस जमीन के बदले तू ये पैसे ले आई और इस पैसे से पूरी चाल में भीम के समर्थकों को खरीद लेंगे और पूरी चाल फिर तुम्हारे साथ होगी जीजा भाई। आज जो भीम का रुतबा है कल तुम्हारा हो जाएगा, देख लेना। आज तक भीम के सामने कोई नहीं टिक पाया है भाभी, लेकिन अब उसके सामने मैं खड़ी रहूंगी, टिकूंगी भी और जीतूंगी भी। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको यहाँ रहना होगा, आपकी जरूरत है मुझे, तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरे लिए आखिरी मौका है भाभी और आप मेरी आखिरी उम्मीद। इस घर में आज तक ना ही मुझे मेरा हक मिला है और ना ही सम्मान, लेकिन अब मैं सब कुछ पाकर रहूंगी, सब कुछ। जीजा भाई, इस लड़ाई को मैं जितवाऊंगी और अब जैसे जैसे हमने योजना बनाई है वैसे वैसे हमें करते रहना है। बाहर जा, ये पैसे मैं अच्छे से रख देती हूँ, संभाल के। जी, संभाल कर रखिए इसे। और जीजा भाई, अब तुम तेवर बदल कर और सुर बदल कर बात करोगे, समझे? हाँ, जाओ। तो ठीक है, जब तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो हम लोग नहीं खाएंगे, रह जाएंगे भूखे। और का क्यों भूखा रहना है? और भूखा रहने से क्या होगा? ऐसे बेवजह क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? लड़ रहे हैं ये लोग? बेवजह लड़ाई का नाम देकर गुनहगार साबित कर रहे हो उन्हें? हाँ, जीजा भाई, अभी मायके से आई हूँ, जाकर आराम करो। अते ही चाल के मसले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। मेरा पति तो मेरा हो नहीं पाया और इनके पति इनके ना हो ये मैं देख नहीं सकती। अगर अपनी बीवी का बोलना पसंद नहीं आ रहा है तो अंदर जा सकते हैं आप। हाँ जीजा भाई, ये किस तरह बात कर रही है भैया के साथ? अच्छा हुआ आप भी यही है। एक काम कीजिए, अपने भाई को लेकर आप भी अंदर चले जाइए। जाइए, कोई काम नहीं है आपका यहाँ। एकदम सही तेवर और सुर पकड़ी हो जीजा भाई, यही चाहिए। अब आई
इन औरतों की कोई गलती नहीं है। आप इन सारे मर्दों से माफी मांगकर सारी औरतों को गुनहगार क्यों बना रही है? मत मांगिए। चुप। अकल वकल तो है नहीं। माफी नहीं मांग रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि आप सब भी खाना खा लीजिए और अपनी पत्नियों को भी खिला दीजिए। जीजा भाई ऐसा क्यों कर रही है? हितेश भाऊ, अब आप ही सबको समझाइए। हाँ, जीजा भाई भीम और रमा के पक्षधर नहीं है, इसलिए जीजा भाई के बात की लाज रख लेनी चाहिए हमें। जनार्दन, जोखू और सकाराम, तुम लोग तीनों खाना खा लो और अपनी अपनी पत्नी को भी खिला दो। अब आगे की बात बाद में देखेंगे। क्या बाद में देख लेंगे, अभी अच्छे से रहिए ना आप। रमा, अंदर चलो। चलो अंदर। अरे क्यों खड़े खड़े मुंह देख रही है? रोज का है, छोड़ो इन्हें। जाइए खाना बनाइए और अपने पतियों को भी खिलाइए। जाइए जाइए। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भले ही हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम अगर चाहते हैं तो यहां बैठकर दोनों आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ देर पढ़ाई करेंगे। लो। मेरा पति तो मेरा हो नहीं पाया और इनके पति इनके ना हो ये मैं देख नहीं सकती। अगर अपनी बीवी का बोलना पसंद नहीं आ रहा है तो अंदर जा सकते हैं आप। भाई बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते, वो जरूर मायके से कुछ ना कुछ सोच कर आई है और घर में कुछ ना कुछ तो करेगी। तुम्हारे भाभी ने तुम्हें संदेश सुनाई बीच में? मैंने उनसे कहा था अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मायके में ही रहो। जब पति को कुछ बताना ही नहीं है उसके पास क्यों आई? ईसा भाई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। कब से बोले जा रहा हूं, तुम सुने जा रही हो? बेवकूफ नहीं हूं मैं, मेरे सवाल का जवाब दो। अभी जब मैं मेरे मायके गई थी ना, वहां एक बहुत बड़े ज्योतिष मिले मुझे, बहुत पहुंचे हुए। तो उन्हें बताया मैंने कि मेरे ससुराल में सब लोग बहुत सवाल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा उपाय बताया। पूछिए कौन सा? पूछिए ना। कौन सा? यही कि जब कोई ज्यादा सवाल करने लगे तो मौन व्रत धारण कर लो। और अब से मैं यही करने वाली हूँ। अच्छा, मतलब तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब ना दो, ऐसा नहीं चलेगा, मैं चलने नहीं दूंगा।